आज जिस दिन समिट हो रहा है उस दिन भी कुछ मेहमानों का सिलसिला आने का शुरू हो चुका है। ओलाफ शोल्स जर्मनी के चांसलर पहुंच चुके हैं। 12 बजे के आसपास इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की, जिनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया जा रहा है। तमाम नेता मंत्री जो पहुंच रहे हैं उन सबको केंद्रीय मंत्री स्वागत करते भी नजर आ रहे हैं। और उसके बाद से सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय लोकगीत और उस लोकगीत संगीत का ये एक बार फिर से उनके सामने मंचन, जिसके साथ उनका भारतीय अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज कुछ ही देर बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी आना है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप देखें तो यूके के प्रधानमंत्री के साथ भी आज द्विपक्षीय बातचीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जर्मनी, इटली, इन तमाम देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। सबकी नजर है कि इन बातचीत से देशों के आपसी सहयोग को लेकर क्या निकलता है, वैश्विक मुद्दों पर कितनी सहमति बन पाती है। IMF, वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म्स को लेकर जो बड़ी चर्चा चल रही थी उस पर क्या कदम आगे बढ़ाए जाते हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर भारत मंडपम से। और अशोक, कुछ देर पहले भी मैं आपसे पूछ रही थी, अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत हुई है, भारत G20 को होस्ट करते हुए अपने कद को और इंडिया को शोकेस करने का एक बड़ा मौका सामने में है जिसे वो इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर अमेरिका से पूर्ण सहयोग मिलेगा, ऐसी बात भी बीते दिन की द्विपक्षीय बातचीत के बाद बताई गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका विरोध करता रहा है। 5 जो स्थायी मेंबर्स हैं, चीन, फ्रांस, रूसी संघ और यूके और अमेरिका, तो समर्थन नहीं मिला था परमानेंट सीट को लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन अमेरिका का अब समर्थन करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए दिखाता है कि अमेरिका चाहता है भारत के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत हो, जरूरत है भारत की अमेरिका को, इसीलिए अब स्वर बदले हैं और एक दिखाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि वो भारत के साथ निकटता चाहता है, संबंधों को नए आयाम तक ले जाना चाहता है, क्योंकि जरूरत भी है अमेरिका को। जिस ढंग से चीन अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए भारत को साथ रखना बहुत जरूरी है और ये महसूस हुआ है अमेरिका को। और पिछले काफी समय से देखें तो अमेरिका बहुत उत्सुक है भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध रहे हैं, जो डिफेंस के संबंध रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में संबंध काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन वो चाहता है कि भारत के साथ उनकी जो मजबूती है संबंधों में और ज्यादा नए आयाम स्थापित करें, नए तरीके से शुरू हो। इसी मजबूती को दिखाने के लिए अमेरिका ने कल जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलेटरल द्विपक्षीय मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सारे चीजों को लेकर के आगे बढ़े हैं, समझौते हुए हैं, लेकिन जो असली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप को लेकर था, स्थायी मेंबरशिप को लेकर, उसमें उन्होंने कहा है साफ तौर से कि वो स्थायी मेंबरशिप को लेकर के भारत की इच्छुक है, समर्थन करता है उसका। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए और जरूरी भी है अमेरिका के लिए और भारत के लिए भी, क्योंकि डिजर्व करता है भारत, योग्यता रखता है स्थायी मेंबरशिप के लिए। लेकिन वक्त बदला, जिस दिन से भारत एजेंडा सेटर हो गया, पूरे G20 में एक नए तरीके से एक ग्लोबल लीडर के तौर पे भारत को देखा जा रहा है, भारत ने जिस तरह से तरक्की की है, चाहे किसी भी फील्ड में देखें तो एक छाप छोड़ी है, तमाम तारीफ कर रहे हैं जो भी लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, ऋषि सुनक, तमाम लोगों ने भारत की मेजबानी की तारीफ की और भारत जो एजेंडा लेके चल रहा है, भारत की कोशिश ये कि उस एजेंडे की एक छाप पूरी दुनिया में दिखाई दे, जो इस भारत में तमाम रंग तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन जो एजेंडा है, जो वैश्विक एजेंडा भारत इसमें लेके चलेगा, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उसको देखेगी और एक मैसेज आएगा। और अमरीका ने जो कल स्थायी मेंबरशिप को लेकर के समर्थन किया है, उसी से एक दिख रहा है कि आने वाले जो आज और कल के दिन है उसमें किस ढंग से भारत उभर कर के आएगा पूरी दुनिया के अंदर, अपने एक इमेज को लेकर के और एक लीडर के तौर पर, एक ताकतवर देश के तौर पे, ये साफ तौर से दिखने लगा है अंजना।